वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने लेट किए थे, कोई भी दो पॉइंट माने थे, ठीक है ना। पी पॉइंट है जैसे कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। पी पॉइंट इसका मतलब क्या है, ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे पी है। और दूसरा पॉइंट मानना था क्यू, इस तरीके से एक्स टू वाई टू जेड टू, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ठीक है ना। किस तरीके से, अब इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर है जैसे ओरिजन, इस तरीके का ओरिजन है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर इसको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना, जैसे पी पॉइंट जैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। हमें थोड़ी नहीं पता ये पी पॉइंट कहां पर होगा, सही बात है ना। जैसे इस तरीके से मान लिया, ठीक है। क्यू पॉइंट, चलो ये मान लिया कि यहां पर है क्यू पॉइंट, और वो कुछ इस तरीके का क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब हमने पता करना दो पॉइंटों बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, सही बात है, इस डिस्टेंस की बात हो रही है। और एक और बात, जो ये डिस्टेंस है एक्चुअल में कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सही बात है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ भी कह सकते हो। किस तरीके से, जैसे पी और क्यू दो पॉइंट है, अब ये तो पी है, यहां पर क्यू है, एक तो डायरेक्ट गए इस तरीके से, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जरूरी थोड़ी ना कि डायरेक्ट ही जाए, हो सकता है पाथ कुछ इस तरीके का हो, जैसे इस तरीके से, फिर तो डिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है दोनों पॉइंटों बीच में, और इसी वजह से यहां पर स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई है, सही बात है ना। स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी बैंड ना हो या फिर कोई भी कर्व ना हो, कुछ इस तरीके से, कहने का ये मतलब था, ठीक है। अब ये तो ही कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में हमने एक बात डिस्कस की थी, किस तरीके से, कि कोई पॉइंट था जैसे यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर एक्स वाई, ठीक है ना, और जेड एक्सिस भी मान सकते हो कुछ इस तरीके से, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक्स वाई, जैसे ए पॉइंट की बात कर रहे थे हम, एक्स कोमा वाई पॉइंट माना था, ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, सही बात है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर एक नोट की बात की थी हमने, ठीक है ना, एक काम की बात क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, किस तरीके, जैसे कोई लेंथ की बात कर रहे थे हम 5 मीटर, लेकिन हमें कैसे पता चला ये 5 मीटर है, मतलब जीरो से स्टार्ट किया इस तरीके से, सही बात है, जीरो से फाइव, चलो ये मतलब फाइव है, जैसे यहां पर वन मान सकते हो, टू थ्री इस तरीके से, फोर, ठीक है ना। और इस टोटल लेंथ का नाम क्या है, फाइव, सही बात है, फाइव नाम है। और इस फाइव का ही, ठीक है ना, इस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी लाइन, जैसे इनको पॉइंट भी मान सकते हो, ए बी मान ली, ठीक है ना, कि डिस्टेंस ए से बी कितना है, फाइव है, सही बात है। कोई भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे मीटर की बात कर रहे हो, कोई भी यूनिट मान सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, फाइव माइनस जीरो, सही बात है ना, फाइव ये रहा, इसमें से जीरो माइनस कर दो, सही है दूसरा नाम, ठीक है। अब इस कंडीशन को समझो यहीं पर, ठीक है ना, ठीक है ना। दो पॉइंट काम क्या आएंगे यहां से, किस तरीके से, ओरिजिन से इस डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। और हमने ये डिस्टेंस निकाला था ओ से ए, लास्ट पार्ट में कितना था, स्क्वेयर रूट कर दो किसका, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई थी, सही बात है, इस तरीके से। और कब, जब टू डायमेंशन हो, कोई भी दो एक्सिस यूज हुई हो, एक्स वाई मान सकते हो, कोई भी दो एक्सिस यूज हुई, जनरली जब दो मानोगे एक्स और वाई, इस वजह से, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर बना था, इसका नाम था, इसका नाम क्या था, एक्स, ठीक है ना। और इस वाई का मतलब, यहां पर परपेंडिकुलर डालो, ये वाई था, इतना डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाई है, तो ये भी अपने आप वाई है, इस वजह से, सही बात है। अब पहला दो नोट से निकल के आएंगे, यहां पर दो नोट हैं। सबसे पहला नोट क्या है, यहां पर जब, पहली बात तो एक तो पॉइंट होता है, सही है, और एक होता है डिस्टेंस, सही बात है ना। एक तो पॉइंट, या फिर कहो कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात होता है, डिस्टेंस कुछ इस तरीके का निकल के आया, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्या ये डिस्टेंस कुछ, या तो सिर्फ एक्स की टर्म में आया हो, या फिर सिर्फ वाई की टर्म में आया हो, जैसे यहां पर था डिस्टेंस कितना आता, फाइव, सही बात है, मतलब जैसे यहां पर एक्स और वाई की बात कर सकते हो, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से भी बात कर सकते हो। कब, जब मतलब ये डिस्टेंस फाइव की जगह एक्स हो, या फिर सिर्फ वाई हो, सही बात है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, सही है, मतलब सिर्फ x या फिर सिर्फ y, लेकिन यहां पर क्या आया, x और y, सही बात है। इस बात का मतलब क्या है, कि पहला नोट क्या है यहां पर, कि सीधी सी बात है, जब कोई पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और डिस्टेंस दो अलग अलग बातें,
किस तरीके से जब सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिस्टेंस डायरेक्ट पता कर सकते हैं हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, जैसे 5 माइनस 0। अब कोई लाइन है, जैसे यहां पर एक और एग्जांपल ले लो, 2 और 3 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। ये 1 का दूसरा नाम 3 माइनस 2, सही बात है ना, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो। इस वजह से मतलब ये 5 माइनस 0 मतलब जरूरी थोड़ी ना कि 0 ही माइनस हो, कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, जब पॉइंट हो और सिंपल सी लाइन हो, एक लाइन हो या फिर एक लाइन का दूसरा नाम एक एक्सिस और या फिर 1 डायमेंशन की बात हो, तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जब 2 डायमेंशन या फिर मतलब 1 डायमेंशन से अलग कुछ भी हो, 2 हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है, 4 डायमेंशन हो सकता है, तो वहां पर डायरेक्ट हम डिस्टेंस नहीं लिख सकते, मतलब या तो सिर्फ एक्स की टर्म में या फिर सिर्फ वाई की टर्म में। लेकिन यहां पर तो दोनों का रिजल्ट आया और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई है, पहला तो ये नोट है, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। और यहां पर दूसरा नोट क्या है, जैसे हमने सिर्फ 5 लिख सकते थे इसको या फिर 1, लेकिन इसको इस तरीके से क्यों लिखा, सेम बात यहां पर मान लो, ठीक है ना, ओ से ए आया या फिर ए से ओ को, ओ से ए चले इस तरीके से, ठीक है, और या फिर ए से ओ आओ, डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा, काम की बात ही है, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस तो बराबर होगा, सही है। लेकिन चेंज क्या हुई, चेंज हुई डायरेक्शन, सही बात है, चेंज क्या हुई डायरेक्शन। और जब मैग्नीट्यूड, अब ये बात भी काम क्या ही निकल के कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हो, उसका नाम होता है वेक्टर, सीधी सी बात है, उसका नाम क्या होता है, वेक्टर, सही बात है। एक तो ओ से ए चले, एक वेक्टर तो ये हुआ, सही बात है, और एक ए से ओ आए, सही बात है, ए से ओ आई वेक्टर, वेक्टर का सिंबल तो यही रहेगा, ये नहीं है कि जैसे ए से ओ लिख दिया और वेक्टर इस तरीके से, ठीक है ना, ए से ओ और वेक्टर का ये सिंबल है ऊपर एरो, सही बात है, ठीक है ना, ये कोई सिंबल होता नहीं वेक्टर का, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, ओ से मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तभी तो ये बात लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन क्या ये इक्वल होंगे, वेक्टर इक्वल होंगे, काम की बात ही है, वेक्टर थोड़ी नहीं खुलेंगे, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ओ से ए अलग है और ए से उसके अपोजिट है, अपोजिट का नाम मैथ्स में क्या होता है, माइनस, इस तरीके से ये माइनस यहां पर यूज कर सकते हो या फिर यहां पर यूज कर सकते हो, वो चॉइस है, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब वेक्टर अलग होंगे, ठीक है। और यहीं से जब ओ से ए की बात करते हो, यहां पर ये सिंबल अप्लाई कर सकते हो कि ओ से ए वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इस वजह से ये सिंबल किसके, मैग्नीट्यूड की, ठीक है ना, यहां पर मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से मतलब वेक्टर क्या होता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरे नोट्स की बात कर रहे थे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, ओ से ए, दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, एक्स में से जीरो इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, सही बात है। वो कहां से, इस तरीके से जब 1 डायमेंशन से लिख सकते हो, ये बात 2 डायमेंशन में भी अप्लाई कर सकते हो जब 2 पॉइंट हो, सही बात है ना। हमें कैसे पता चला कि ये डिस्टेंस तो है लेकिन कहां से है, ये 5 मीटर था, सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन है कहां से, 0 से स्टार्ट हुई ये बात, सेम बात यहां पर, ठीक है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस वजह से एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, 2D में, जब यही पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बन जाए, 3D बन जाए, तो बस यहां पर जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर करो, एड करो और सभी का स्क्वायर रूट ले लो, सारे का स्क्वायर रूट ले लो, इस तरीके से जब 3D की बात हो, ठीक है। ये तो इसकी बात, ठीक है ना, इस पॉइंट की बात की, मतलब लास्ट पार्ट में हमने इस पॉइंट को, ठीक है ना, या फिर सिंपल कोई भी एक पॉइंट है उसको क्यों उठाया था, इस वजह से, इस बात को समझने के लिए, सही बात है। अब पता करना कि 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सही बात है। अब जैसे हमने 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट मान सकते हो, ठीक है ना, किस तरीके, यहां से यहां पर ओरिजिन है, ये कोई पी पॉइंट है, x1 y1 मान लो, ठीक है ना, 2D से समझ लेंगे, ठीक है ना, 2D से, ठीक है, जब कोई भी डायग्राम समझना हो 2D से समझो, शीट ऑफ पेपर, क्योंकि जेड एक्सिस एक्चुअल में तो परपेंडिकुलर है, और जब 3 डायमेंशन की बात करते हो या फिर स्पेस की, वहां पर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए, 8 क्वाड्रेंट, ये भी पता किया था हमने, 8 क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इस वजह से, ठीक है ना, ये 8 क्वाड्रेंट सिर्फ समझने,
सिर्फ सोचने हैं कि कहां पर होंगे, चार ही सीटों पर से ऊपर हैं कुछ इस तरीके से, चार ऊपर और चार नीचे हैं सीटों पेपर से नीचे। सही बात है, जैसे पी पॉइंट मान लिया, क्यू पॉइंट मान लिया, कोई भी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कोमा वाई टू मान लिया हमने, एक्स टू कोमा वाई टू मान लिया इस तरीके से, और हमने पता करना इस तरीके से इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी से क्यू तक का। सही बात है, अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक काम की बात आएगी, ठीक है ना, यहाँ पर फिर से एक नोट होगा, ठीक है ना, बस उसको ध्यान रखना है किस तरीके। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, पी से क्यू, या फिर कहो कि क्यू से पी, डिस्टेंस बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम इस तरीके से लिख सकते हो, पी से क्यू का वेक्टर, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो कि क्यू से पी आए, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर होगा जब पी से क्यू, इसी पर होनी चाहिए अप्लाई की पी से क्यू, मतलब पाथ यही होना चाहिए कि पी से क्यू गए या फिर क्यू से पी आए। अब ये नहीं है कि मतलब पी से कोई तीसरा पॉइंट चले गए पी से आर, फिर थोड़ी ना ये चीज अप्लाई होगी, फिर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। अब यहां पर दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस किस तरीके, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, बस यहां पर परपेंडिकुलर डालो सबसे पहले, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर डाला। इस डिस्टेंस का क्या नाम है, इस डिस्टेंस का कितना नाम है, एक्स वन तो यही होता ना, ओरिजन से कोई पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, पी पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, पी पॉइंट है इस तरीके से। तो इस एक्स वन का मतलब क्या था, एक्स एक्सिस पर ओरिजन से कितना डिस्टेंस एक्स वन है। सही बात है, एक बार यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो तो यहां पर इस डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, वाई वन। सही बात है, इसी तरीके से यहां पर ये एक्स एक्सिस, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। सही है, बस ज्योमेट्री को समझा, समझना यहां पर, ठीक है ना, कोई दूसरा पॉइंट है तो इस एक्स टू का मतलब क्या है कि ओरिजन से, ओरिजन तो ये था कुछ इस तरीके का 2D में। सही बात है, तो ओरिजन से यहां पर क्यू पॉइंट के परपेंडिकुलर तक, यहां तक, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से यहां तक के डिस्टेंस का नाम है एक्स टू। सही बात है, ठीक है, इस तरीके से। अब वाई टू का नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर ओरिजन से कितना डिस्टेंस है, जैसे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो इस तरीके से, ठीक है ना, और इस डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा, वाई टू। सही बात है, अब हमने तो पी से क्यू डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना, बीच का डिस्टेंस। सही बात है, यहां पर हमें पता होना चाहिए पहले से कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है ना। उसके लिए अब यहां पर पी से क्यू है, ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन कि कोई एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो, या फिर कहो कि सबसे पहले तो एक ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल मतलब तीन साइड होनी चाहिए, ट्रायंगल का तो ये मतलब था तीन साइड, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इस तरीके पी से क्यू का पता करना हमने, ठीक है ना, किस तरीके से पी से क्यू, तो यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का नाम है, इस ट्रायंगल का यूज होगा यहां पर, ठीक है ना, अपनी तरफ से पॉइंट जैसे पी क्यू है, और कोई एस मान सकते हो, आर मान सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट कब बनता, जब कोई दो लाइन मिले, ठीक है ना, पॉइंट कब बनता, जब कोई दो लाइन मिले, जैसे पी से क्यू एक लाइन है, क्यू से एस है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट, या फिर ये बात भी कह सकते हो कि पॉइंट बनता कब है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखो, ठीक है ना, काम की बात है ये, ठीक है ना, कि पॉइंट जनरेट कब होता है, बनता कब है पॉइंट, ठीक है ना, सीधी सी बात है, जब कभी भी कम से कम, ठीक है ना, कम से कम दो लाइन, ठीक है ना, दो लाइन, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे कट करने चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसी वजह से जो सिंपल पॉइंट लिखते हो उसका नाम होता है इंटरसेक्शन, एक्चुअल में ये नाम होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कब होगा, जब कम से कम दो चीज होंगी, लाइन है तो इस तरीके से इंटरसेक्शन, दो लाइन एक दूसरे कट करें, जहां पर भी कट करेंगे कोई ना कोई पॉइंट बनेगा इस वजह से, ठीक है। अभी यहां पर मतलब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने, इस ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी अपने आप परपेंडिकुलर, कोई एक लाइन हो सेम साइड पर उतना ही बराबर एंगल मिलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सही बात है, अब यहां पर अब पाइथागोरस थ्योरम क्या थी,
कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल के आया था, ठीक है ना। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है ना, अब बस यहाँ पर ये चीज अप्लाई करो, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, ठीक है ना, ये बात भी हमने की थी, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूस और उसका नाम है पी से क्यू, पी से क्यू का होल स्क्वायर है, सही है, होल स्क्वायर। हमने तो सिर्फ पी से क्यू निकालना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सीधी सी बात है, जब एंगल की बात ना हो, काम की बात है ये, पाइथागोरस थ्योरम में जब भी एंगल की बात ना हो तो बस सीधी सी बात है, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बची हुई दो साइडों का स्क्वायर करो, ऐड करो, सीधी सी बात है, जब एंगल की बात ना हो तो, ठीक है। तो इस बात का अंतर पी से एस का स्क्वायर कर दो, एक बार एस से क्यू या फिर क्यू से एस, डिस्टेंस बराबर होना का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दो, इसको पहले लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, दोनों का रिजल्ट आना बराबर इस वजह से, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए, पी सी एस, ये तो ये चीज तो निकालनी है, ठीक है ना, पी सी एस चाहिए, मतलब पी सी एस इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए और एक बार ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। बस यहां पर समझना है किस तरीके से, अब टोटल डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस एक्स टू है, इस पहले इतना डिस्टेंस क्या था एक्स वन, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपने आप कितना होगा, टोटल में से पहला पार्ट हटा दो, x2 में से x1 हटा दो, सीधी सी बात है, पी सी एस का क्या नाम है, x2 में से x1 माइनस कर दो, ठीक है। किस तरीके से, कोई भी सिंपल एग्जांपल या फिर डायरेक्ट बात समझ में आएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एग्जांपल लेके चलो, किस तरीके से, मतलब कोई लेंथ है, उसकी टोटल लेंथ है 10, ठीक है ना, उसका पहला पार्ट है जैसे 3 मीटर है या फिर कोई भी यूनिट है जैसे 3 है, ठीक है ना, पहला पार्ट है 3, तो ये अपने आप कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये 7 आया कैसे, 7 का दूसरा नाम 10 माइनस 3, सही बात है ना, मतलब टोटल में से ये पहला पार्ट माइनस कर दो, कहने का ये मतलब था, कब, जब सिर्फ दो पार्ट हो, जब 3 हो तो, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जब मतलब लेंथ उतनी है 10, ठीक है ना, पहला पार्ट है चलो 3, दूसरा भी है 3, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, किस तरीके से, आप 4 का दूसरा नाम टोटल में से पहले दोनों पार्ट माइनस कर दो, इस वजह से सेम बात यहाँ पर अप्लाई हो जाए, इस तरीके से एक्स टू माइनस एक्स वन, सही बात है। इसी तरीके से क्यू सी एस का नाम क्या हो जाए, टोटल वाई टू है, ये वाई वन है, तो इस ये पोर्शन चाहिए हमें, तो क्यू सी एस तो यही पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, वाई टू में से वाई वन माइनस कर दो, इस तरीके से, सही बात है, ठीक है ना। और यहाँ से बस हमें तो यही निकालना था पी सी एस डिस्टेंस, सही बात है, पी सी एस डिस्टेंस क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ से पी सी क्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का भी ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी से क्यू, जब दो पॉइंट हो, मतलब पी और क्यू हो, तो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ए और बी हो सकते हैं, सी और डी मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये दो पॉइंट हमने लेट किए थे इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर स्क्वेयर है लेकिन हमें तो सिर्फ मतलब यहाँ पर पावर एक चाहिए, तो स्क्वेयर हटाओ, तो स्क्वेयर हटेगा तो स्क्वेयर रूट, ये बात भी पता की थी, यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यों है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर पी से क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी सी एस, पी सी एस का नाम क्या है, पी सी एस का नाम एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, पी क्यू सी एस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, सही बात है, सारे का स्क्वायर रूट, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कब, यह टू डी के हिसाब से, क्योंकि पॉइंट हमने टू डी का लेके चली थी, जब थ्री डी हो जाए बस कुछ नहीं करना, बीच में प्लस का साइन लगा दो, स्क्वायर रूट को बढ़ा दो, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, सही बात है, इस तरीके से, ठीक है ना, ये तो ही इसकी बात है, ठीक है, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है ना। और इसके थर्ड पार्ट में हम इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, और यहाँ पर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में यहाँ पर नोट क्या निकल के आएगा या फिर कहो कि रिमार्क्स, वो काम करेगा, ठीक है ना, उसको थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।